पीठा मिठाई आखिर किसे पसंद नहीं होगी। ऊपर से दिखने में जितना खुरदरा, अंदर से उतना ही रसदार होता है ये पीठा। इसके अलावा पीठा नाम सुनते ही आपको आगरा की याद तो जरूर आती होगी। वजह सिर्फ एक, वहां के मशहूर और रसीले पेठे। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि पेठा मुख्य रूप से आगरा में ही बनाया जाता है, जिन्हें खाकर हर कोई इन पेठों का दीवाना हो जाता है। तो आपके इस दीवानेपन को बरकरार रखने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पेठा कैसे बनाया जाता है बताएंगे, जिसे आप अपने घर पर ही बना सकते हैं और हमें यकीन है कि आप सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो आपका एक भी पल बर्बाद न करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इससे संबंधित वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। आज हम आपको सूखे पेठे की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग गांव के रहने वाले हैं, उन्हें पता होता है कि पेठे की मिठाई बहुत ही देसी तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि गांव में आप हर दूसरे घर की छत पर इसकी खेती देखेंगे। पेठा बड़े कद्दू के बराबर होता है और ध्यान रहे कि पेठा बनाने के लिए इसका फल पका हुआ ही होना चाहिए। इसकी पहचान है कि इसके बीजों में मिगी आ जाती है और ऊपर से ये सफेद दिखता है। सबसे पहले पेठे का फल लेकर उसके बीज के नरम भाग को काटकर निकाल लीजिए। उसके बाद पेठे के फल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसके हरे वाले भाग, मतलब उसके छिलके को निकाल लीजिए। फोर्क की मदद से उन टुकड़ों को गोद लीजिए, मतलब उनमें छोटे छोटे छेद कर दीजिए। उसके बाद एक बर्तन लीजिए, उसमें पानी और खाने वाला चूना मिलाकर रख दीजिए। उसके बाद पेठे के फल के सारे टुकड़े चूने के पानी में डाल दीजिए। पानी की मात्रा इतनी होनी चाहिए जिससे फल के टुकड़े उसमें आसानी से डूब जाएं। उसके बाद चूने में डूबे हुए फल को 10 से 12 घंटे के लिए ढककर रख दें। 12 घंटे बाद पेठा उबालने वाले बर्तन में 2 लीटर पानी डालकर उसे ढककर उबालने के लिए रख दीजिए। पानी में उबाल आने पर इसमें पेठे के टुकड़े डाल दीजिए। पेठे को 20 मिनट तक उबलने दीजिए। 20 मिनट उबलने के बाद जब पेठा पारदर्शी दिखने लगे, तब इसे किसी बर्तन पर रखी चलनी में डाल दीजिए, जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। उसके बाद इसे एक प्लेट में रख दीजिए। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए बर्तन में 3 कप पानी और चीनी डाल दीजिए और चीनी को पानी में घुलने तक पकने दीजिए। बीच बीच में चम्मच से इसे चलाते रहें। चीनी के पानी में घुलते ही पेठे को इसमें डाल दीजिए और तेज आंच पर पेठे की चाशनी को गाढ़ा होने तक उसे पकाते रहिए। चाशनी तैयार हुई है ये जानने के लिए चाशनी की बूंद गिराइए। अगर वो तार के रूप में गिरती है तो इसका मतलब है कि चाशनी बनकर तैयार हो गई है। चाशनी के बनते ही इसके बर्तन को ऊपर लीजिए और उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। चाशनी को 12 घंटे तक या रात भर सूखने के लिए रखे रहें। 12 घंटे बाद अगर चाशनी पतली लग रही हो तो इसे तेज आंच पर पकाने के लिए रख दीजिए। चाशनी के गाढ़े होते ही पेठे का रंग और बनावट पूरी तरह से बदल जाएगा। जब पेठा बनकर तैयार हो जाए तो बर्तन को नीचे उतार लीजिए और सूखने के लिए रख दीजिए। अगर आप इसे जल्दी सुखाना चाहते हैं तो एक पतीली के ऊपर एक जाली रखकर उस पर ये पेठे रख दें, जिससे इसकी चाशनी नीचे गिर जाए और पेठा जल्दी सूख जाए। इसे कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। सूख जाने के बाद आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और लंबे समय तक इसका मजा ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसे एक बिजनेस के तौर पर भी चला सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। एक रिसर्च के मुताबिक इसमें 30-50% का मुनाफा हो सकता है। इसके अलावा इस बिजनेस को आप अपने घर से ही चला सकते हैं। इसके साथ साथ इस काम को औरतें भी अपने खाली समय में कर सकती हैं और पैसे भी कमा सकती हैं। आप अपने ब्रांड नेम के रैपर और बॉक्स प्रिंट करवा सकते हैं और बाजार में जिस वजन से पैकेट आ रहे हैं
उस हिसाब से आप मार्केट में इन्हें सप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, त्योहारों के मौसम में इसकी मांग बहुत ज्यादा होती है, तो अगर आप इस काम को सीजनेबल रूप से भी करते हैं तो भी आप इससे बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पेठा बनाने की रेसिपी और इससे जुड़ी सारी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।